ज्वेलर्स सन 2002 से आपकी सेवा में। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9827361111। भाजपा सांसद आनंद हेगड़े के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर दिए गए बयान पर अब सियासत गर्मा गई है, जहां उनके बयान को लेकर कांग्रेस ने आनंद हेगड़े के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनके बयान के बहाने अब पूरी भाजपा पार्टी की राष्ट्रवाद की विचारधारा वाली सोच पर सवाल खड़े करते हुए सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाते हुए प्रदर्शन की राह अख्तियार कर ली है। इस क्रम में सागर के मकरोनी युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री और सांसद आनंद हेगड़े के बापू के खिलाफ किए गए अमर्यादित बयान पर जमकर मुख्य चौराहे पर प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए सांसद के प्रतीकात्मक पुतले पर दहन किया। इस अवसर पर प्रदर्शन कार्यक्रम के मौजूद कांग्रेस सांसद हेगड़े के बयान को लेकर खासा आक्रोश दिखाई दिया, जहां उन्होंने इस बयान को भाजपा और आरएसएस के सोची समझी साजिश करा दिया और बाबू को अपमानित करने की मंशा को दिया गया बयान बताया प्रदर्शनकारी ने। इस मौके पर विवादास्पद बयान पर सांसद ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगे जाने की मांग भी उठाई। गौरतलब है कि सांसद हेगड़े द्वारा स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी सहित अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा चलाए गए आंदोलन पर सवाल खड़े कर दिए, जिसको लेकर उनके द्वारा किए गए बयान के बाद बवाल मचा है। जहां इस मामले में भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही है, युवक कांग्रेसियों ने चेतावनी दी अगर बयान पर माफी नहीं मांगी है तो पूरे देश में सांसद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का सिलसिला बरकरार रखा। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित तरीके से अनंत राम हेगड़े, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा पूज्य महात्मा गांधी जी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने को लेकर आज हम लोगों ने प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया है। और हम इस युवक कांग्रेस द्वारा अनंत राम हेगड़े के पुतला जलाने के कार्यक्रम के माध्यम से ये चेताना चाहते हैं कि पूज्य महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर क्या नरेंद्र मोदी जी, क्या आरएसएस के मोहन भागवत जी, क्या भारतीय जनता पार्टी इस मामले में अपना बयान जारी करे और अनंत राम की इस टिप्पणी पर, महात्मा गांधी की अपमानित करने वाली टिप्पणी पर माफी मांगे, अन्यथा अंजाम भुगतने को तैयार है। प्रतिपक्ष नेता पंडित गोपाल भार्गव बयान दे।